दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की रस वाली सब्जी। देखिए देखिए, हमने चार टमाटर लिया है, आलू लिए हैं, तीन चार आलू के टुकड़े हैं और गोभी है। अब सबसे पहले हम गैस को गर्म करेंगे। जब कुकर गर्म हो जाए इसमें तेल डालेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तेल गर्म हो गया, इसमें आलू और गोभी के टुकड़े को डाल देंगे। डाल दिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम प्याज के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेंगे। देख रहे हैं आलू गोभी फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब चट करने लगे तो तेजपात डालेंगे। इसके बाद जो हम लोग प्याज और लहसुन काटे हुए हैं अब इसको डालेंगे। देखिए, अब टमाटर गल चुका है, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, दो चम्मच मसाला डालेंगे, मर्चा अपने स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च डालेंगे। देखिए, अब चला रहा है इसको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे मसाले अब पक चुके हैं, अब इसमें जो है आलू और गोभी हम डालेंगे। फिर 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिए। पानी डालिए। देखिए, अब ये भी आलू गोभी में जो मसाला जो मिल चुका है, अब इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा और इसके बाद जो है आप कुकर को बंद कर दीजिएगा। तो 3 सीटी को देंगे। देखिए, 3 सीटी हो गई, आप कुकर को खोल के देख रहे हैं क्या हाल है। देखिए, सब्जी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको चला लेंगे। आपके लिए इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, इससे घी डालने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है।